पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। ना रहेगा पाकिस्तान, ना रहेगा आतंकवाद। पुतला फूंकने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक सूत्रीय ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई कि अब पाकिस्तान से संवाद नहीं, सीधे बंदूक से बात होनी चाहिए और सेना को खुली छूट देनी चाहिए। LOC पर कोई भी हरकत होते ही सेना सर्जिकल स्ट्राइक से दुगनी ताकत से पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। अपनी दूसरी मांग पर कार्यकर्ताओं ने भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जो सेना के लिए अपशब्द निकाले उस पर रासुका लगाकर आजीवन कारावास देना चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। कल माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो दिखाई थी। अब हमारा कहना है सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई हो जाने दी जानी चाहिए और अब पाकिस्तान से किसी प्रकार की वार्ता ना हो। आतंकवाद को भारत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अभी तक न जाने कितने सैनिक हमारे शहीद हो चुके। अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक हो या आगे अनेक सर्जिकल स्ट्राइक हो, अब पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को और पाकिस्तान को समाप्त करना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।